आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक और नई वीडियो में। आइए आज हम नीति वचन अध्याय 16 से कुछ नया सीखेंगे। लोग अपने दिलों में योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रभु ही की ओर से होता है। अपनी सारी योजनाएं प्रभु को दे दो, वह आपको सफलता और तरक्की देंगे। प्रभु कमंडियों से नफरत करते हैं और उन सभी चीज़ों को सजा देते हैं। अगर प्रभु हमेशा खुश हैं तो आप दुश्मन भी आप हमारे दोस्त बन जाएंगे। हम अपनी योजनाएं खुद बना सकते हैं, लेकिन हमारे कदमों को प्रभु ही चलाते हैं। सरकारी नेताओं को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो परमेश्वर की ओर से हों और सही हों। प्रभु हमसे मांग करते हैं कि हम हर काम और हर बात उसकी सही और ईमानदार हो। सरकार को बुरे काम नहीं करने चाहिए, जरूरी है कि वह धार्मिकता से काम करें। नेताओं को सच बोलने वाले ईमानदार लोगों को खुश होना चाहिए। जब बॉस खुश हो जाता है तो सभी खुश होते हैं। यह बसंत बहार की ताज़ा बारिश का समय। सोना या चांदी रखने की बजाय सीखना और बुद्धिमान होना अच्छा है। अभिमान और घमंडी स्वभाव हमेशा विनाश लेकर आता है। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते और उन्हें कोमल वचन हमेशा शिक्षा देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दिल मन से अच्छे और सही वचन बोलने सिखाता है। दुष्ट व्यक्ति बुराई को ढूंढता है, उसका मुंह बुरी बातें बोलने की ताक में रहता है। झगड़ालू व्यक्ति झगड़ा करता है और चुगली पक्के दोस्त में भी फूट डलवा देती है। बुरा व्यक्ति अपने दोस्त को भी अपने साथ बुरे काम करने के लिए जाता है। आंखें मटकाने वाले लोगों पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दिल में बुरी योजनाएं रहती हैं। जिस व्यक्ति ने लंबा और धर्मी जीवन जिया है, उससे सर पर सफेद बाल उसी बुद्धि की निशानी है। आप अपने फैसले लेने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, लेकिन उनके नतीजों पर परमेश्वर का निर्णय रहता है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।